आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे पाप हो रहे हैं, एंजाइटी सी हो रही है यार, क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा। इट्स लाइक पॉटी पकोड़ा। चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे पाप हो रहे हैं और वो पाप जैसे ओरियो पकौड़ा, फैंटा मैगी, ट्रू ऑफ्स ऑफ चाय। तो हमने सोचा कि कोरोना के चलते हम ये पाप देखने तो नहीं जा सकते, तो आज हम ये पाप करेंगे घर पे। तो आज हम बनाने वाले हैं ओरियो पकौड़ा। आई गॉट टू पैकेट्स ऑफ ओरियोज, नॉर्मल ओरियो है ये जो हम खाते हैं, और मैं इसमें से एक ही पैकेट खोलने वाली हूँ क्योंकि बाकी मैं ऐसी इसका स्वाद लूंगी पकौड़े में जाके, इसका पता नहीं क्या होने वाला है। शास्त्रों में इसे छलक आ गया है, मेरे को खाने में बुलाया गया और मुझे खिलाया जा रहे हैं ओरियो पकौड़े। मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं, सोशल मीडिया पे इतने फेमस हो, ट्राई करो भाई, ये कोई ट्राई करने की चीज है। तुझे पता है बच्चे पिछले 15-20 साल से खा रहे हैं ओरियो पकौड़े। उनका भाव लेके आया था इंडिया में 15-20 साल से ओरियो। लिटरली उस जो हमने वीडियो देखी थी उसमें वो बोले कि 15-20 साल से वो खा रहे हैं, बच्चों के बड़े फेवरेट है। मतलब सीरियसली पकौड़े वो भी मीठे। पकौड़े के अंदर ओरियो है, आपको यकीन नहीं आ रहा, एक और दिखा देता हूँ, ये देखिए ओरियो की भजिया है ये, ओरियो के पकौड़े, मतलब कुछ भी हो रहा है कुछ भी। भैया दिखा दो एक बार ओरियो, ये ना ये देखिएगा इस ओरिजिनल ओरियो, खोलिए भैया देखते हैं आज ओरियो के पकौड़े भी। ये आ गए अपने ओरियो कुकीज और ये गई अपनी ओरियो कुकीज। देखिए बेसन लपेटा गया इसके चारों तरफ और ये जा रहा है कढ़ाई में। क्या आपको अपनी आंखों पे यकीन हो रहा है, ओरियो कुकीज के पकोड़े बन रहे गाइस यहाँ पे। ये जो टास्क है ये हाईली सुपरविजन में करा जा रहा है, आप इसको घर में डोंट ट्राई दिस एट होम, लाइक वी आर डूइंग दिस स्टूपिड थिंग, आप लोग ट्राई मत करना, हम तो व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं, आप कुछ मत करना। सो ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका है, भाप निकल रही है इसमें से, तो जल्दी से ओरियोस को डालते हैं अपने बेसन में और फिर वो ओरियो पकौड़ों को तलना शुरू करते हैं क्योंकि एंजाइटी सी हो रही है यार कि कर क्या रहे, क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा। उसके लिए पाप करने का समय आ चुका है हमारा। ये सोच के कभी भी अपना YouTube करियर शुरू नहीं किया था कि मैं एक दिन आगे ये करूंगा ना, मैंने इसको बोला था कि व्लॉग चैनल खोल ताकि एक दिन ये ओरियो पकोड़े बनाए। तो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं क्योंकि पाप तो देखो दुनिया में हो रहा है, अब हम वो पाप देखने जा नहीं सकते, तो हम घर पे तो कर सकते हैं ना पाप, कर सकते हैं ना, बताओ कमेंट करके बता दो हमें पाप कर सकते हैं घर पे यार। इसको ना अंदर से कुछ कुछ हो रहा है कि हमें क्यों कर रहे हैं, बट अभी तो आगे देखते जाते हम क्या क्या पाप करने वाले, अभी तो क्या क्या प्लान कर रखा है हम लोगों ने। मैंने घर में पकौड़े तले हैं आलू के, गोभी के, प्याज के, बैंगन के, कद्दू के भी तले हैं, पर ऐसा कभी करूंगी मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा। तो ये लास्ट पकौड़ा था जो हमने डाला, बस इसके बाद खत्म, पैकेट में दूसरा पैकेट बर्बाद नहीं करूंगी। ओरियो खाने का एक प्रोसेस होता है, पहले लिक करो फिर पता नहीं जोड़ो कुछ भी होता है, खोलो करो काटो घोलो खा लो ऐसा कुछ होता है, काटो घोलो लगा लो जो भी होता है। मैडम ने ओरियो का पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया, पहले फ्राई करो, नहीं पहले बेसन घोलो, फिर उसमें ओरियो का पूरा पैकेट खोल के डालो, फिर तेल गरम करो, फिर फ्राई करके फिर टेस्ट करो। कल को तुम बोलो कि मुझे कोक वाली चाय बनानी है या फैंटा वाली चाय बनानी है तो बन जाएगी क्या, कुछ भी कर सकते। सुन सुन उनको आइडिया मत दे प्लीज। मैं क्यों आइडिया दूं, हमने खुद ही आइडिया इंटरनेट से लिया है। सो फाइनली हमारे ओरियो पकौड़े रेडी हो गए हैं, तो जल्दी से काम करते हैं, हरी चटनी डालते हैं और सॉस डालते हैं और फिर इनको ट्राई करते हैं। तो ये है फाइनल हमारा आउटपुट ओरियो पकौड़ा जिसे हम पिछले 15-20 सालों से खा रहे हैं, अभी
टेस्ट करेंगे इसे कैसा है, बट कुछ ऐसा ओ इसका बिस्किट पूरा उतर गया। रेडी हो गए हमारे ओरियो पकौड़ास। साहिल पहले ये पाप करेगा फिर मैं करूंगा। मैंने क्या पाप किया भाई? चल साथ में चीयर्स करके शुरू करते हैं, कल्याण करते हैं। तो ऐसे डर से जोर से खा रहा हूं। आप लोग इसकी नॉर्मल वीडियो पे भी व्यूज दो ताकि ये हरकतें ना करनी पड़े। चीयर्स करते हैं। चल मैंने ये वाला उठाया। केचप नहीं है, टोमेटो केचप नहीं, हम हरी चटनी के साथ खाएंगे। मतलब यू शुड हैव ना मैरिनेट देम, तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया होता उसको। मैरिनेट ग्रेवी में थोड़ा ना क्रीम व्रीम डाल के, वो अमूल बटर की आधा किलो की टिक्की लगा के इसके ऊपर। सुनो, इससे कोई इन्फ्लुएंस मत हो जाना। इसके ऊपर अमूल की बटर डाल के आप वो कर रहे हो। एक साथ करेंगे। 3, 2, 1 गो। तू खाएगा? मैं क्यों खाऊं? मैं तो खाऊंगा तुम्हें। चल ठीक है। 3, 2, 1 स्टार्ट। खाना भाई? ये नहीं खाना। इतने ये... प्यार से तूने बनाई है ये। हाँ, खाई है, बनाई है ना? मेरे को नहीं चाहिए इतना प्यार, आप खाओ। नहीं पहले तू खा, तू ना इंसाफी करेगा, तू खाएगा नहीं। नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए बहुत। जब हम जोलो चिप खा सकते हैं तो ये क्या है? ये क्या है? और जोलो चिप वॉज टेस्टियर देन दिस। हाँ, मैंने टेस्ट नहीं करा तो पता चलेगा अभी। कोई बात नहीं, फिर जोलो चिप एक बार फिर खिला देंगे इसको। ये क्या है? टेस्टी है। ये टट्टी है। ये क्या है? आय आय। टेस्टी है। क्या टेस्ट है? क्या है? बहुत टेस्टी है। मेरा ओरियो जो है ऐसा, बच्चों ने मिट्टी में गिर गया, मैंने उठा के फिर खा लिया। मैं वैसा गया। अभी भी ऐसे दीवारों में से मिट्टी खोद खोद के खाता है। This is tasteless. ना इसमें ओरियो का टेस्ट है, ना ये ओए होए होए डिजर्व करता है, ना ये वावा डिजर्व करता है, ये ऐसे फेंकना डिजर्व करता है। इसमें ओरियो का टेस्ट है, बेसन का कोई टेस्ट नहीं है। ओरियो जैसे वो नहीं हो जाते, सड़ जाए, गल जाए, सील जाते हैं ना ओरियो, वो टेस्ट उनपे फंगस लग जाए, तो उसका ज्यादा अच्छा टेस्ट होगा इससे। How can you like it? यार इतना इतना बवासीर है, मतलब खुल के बोल रहा हूँ, बहुत बेकार है ये। It's like मीठा पकौड़ा, बस जैसे मीठा समोसा होता ना, इट्स लाइक मीठा पकौड़ा। कुछ भी इट्स लाइक पॉटी पकौड़ा। ये बहुत 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 बेकार है, कभी भी जिंदगी में ट्राई ना करे। सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं बहुत गंदे गंदे वर्ड यूज कर रहा हूँ, और ये बहुत बेकार है भाई, मैं नहीं खा रहा। अभी तो अच्छा लगा, कैमरा बंद करके खाऊंगा। देखा, अगर इसने कैमरा बंद करके खाया पॉटी तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। पॉटी, टट्टी, लैटरिन के जितने सिनोनिम होते हैं ना, ये वो है। चीज आयल ची। अगर इसने कैमरा बंद करके ये अपना आधा छोड़ा हुआ पकौड़ा खाया तो आप समझ लेना इसने पॉटी खाई है। अच्छा ट्राई, आप वो तो आप रिव्यू दोगे ना, इट्स ओरियो पकौड़ा। खाओ के लाओ, खाओ चटनी के साथ में भी लुक्स लेंगे, लुक्स। क्या मीठा नमकीन का वो कॉम्बिनेशन? नमकीन का टेस्ट आ रही है, इसमें एक मीठा पकौड़ा। मीठा पकौड़ा लेकिन जो बेसन में नमक है उसका तो आएगा ही ना। तो कैसा लगा? उसने इसको टट्टी पकौड़ा। ये पापा अब भी ट्राई करना जरा। पापा कह रहे थे ये मेरा आइडिया है। मेरा आइडिया है। बस मुंह नहीं बना, इनसे नहीं हो। आपका आपका आइडिया कैसा रहा फिर? मेरा आइडिया मेरे को मालूम है।
सो गाइस फाइनली हम लोगों ने भी टेस्ट कर लिए ओरियो पकौड़े और टू बी रियली ऑनेस्ट नहीं अच्छे, मतलब बिल्कुल कुछ स्वाद ही नहीं आया। बेसन का अलग स्वाद, ओरियो का अलग स्वाद, बिल्कुल ही मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया। इसलिए मत ट्राई करना घर पे, हमने तो कर लिया, बाप मत करना। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आज के लिए बहुत कर लिया हम लोगों ने। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ऐसा ही कुछ बताना जो आप चाहते हो कि हम ट्राई करें। ऐसा कुछ बताना मतलब ऐसी कोई अलग इन्वेंशन, यू नो। गाइस मेरे को गट फीलिंग है ये अगली वीडियो फैंटा, फैंटा मैगी बनाने वाली है, मैं घर भाग जाऊंगा। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज्यादा पसंद नहीं आई होगी, पर पसंद आई होगी। टिल देन अपना ध्यान रखो, अपने पेट का ध्यान रखो, क्योंकि हम तो ऐसा कुछ ट्राई करके अपना पेट खराब करते रहेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो और हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय 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 गाइस। ये देखो कट करते।